एक बार सभी को गणपति बप्पा मोरिया और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे बिल्कुल नारियल के लड्डू की टेस्ट वाले हम मोदक बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक भारी पेंदी वाली पैन लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच देसी घी का यूज़ करेंगे और 1 कप हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, यानी नारियल का बुरादा, खोपरे का बुरादा जिसको बोलते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। हल्का सा हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध, जो हमने फुल फैट क्रीम दूध का यूज़ किया है। इसे हम इसे अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि नारियल का बुरादा जो है दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना कर ले। तो यहाँ आप गैस का फ्लेम लो से थोड़ा सा आप हाई कर ले और हाई लो हाई मीडियम फ्लेम पे आप इसे पका लें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाया है। अब यहाँ पे ये जो बहुत हद तक दूध सूख चुका है तो यहाँ पे हम चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 कप चीनी का यूज़ किया है। आप अपने स्वादानुसार थोड़ा सा मिठास घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। आप अब चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी और छूट गया है, लेकिन हमें इसे तब तक पकाना है कि बिल्कुल ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ देखिए अब ये थोड़ा सा चीनी अब सूख गया है। तो यहाँ पर हम इलायची का पाउडर डालेंगे, साथ में हमने ड्राई फ्रूट्स डाला है, काजू, पिस्ता और बादाम का कतरन। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क या मावा का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप फिर इसमें काजू का पेस्ट डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक ये पैन छोड़ ना दे। तो यहाँ पे आप देखिए अब ये जो भुनने के बाद इस ये बिल्कुल पैन छोड़ना शुरू हो चुका है इसमें, लेकिन हमें तब तक भूनना है जब तक ये पूरी तरह से पैन ना छोड़ दे। तो यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ बिल्कुल पैन छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हम इस स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल पैन छोड़ रहा है और ये डो के फॉर्म में भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का गुनगुना रहने पे हम थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। हल्का गुनगुना रहने पर हम यहाँ मोदक मोल्ड में बनाएंगे। तो मोदक मोल्ड को पहले घी से ग्रीस कर लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर जितना एडजस्ट हो सकता है इस पोर्शन को डालेंगे, अच्छी तरह से फिक्स करेंगे फैलाते हुए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए और पोर्शन भी का मात्रा भी अच्छा से डालेंगे, क्योंकि जितना एडजस्ट हो सकता है उतना इसे हमें डालना है। हथेली से एक बार इसे सेट कर ले इस तरह से। अब इसे मोदक मोल्ड को खोल लें, आराम से खोलें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से आप इसे धीरे से खोल लें। ये देखिए मोदक बिल्कुल तैयार है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही देखने में भी उतना ही सुंदर और खाने में भी उतना ही टेस्ट। इसे हमने 1 केले के पत्ते पर सर्व किया है। अब हम बताएंगे आपको दूसरा मोदक मोल्ड। तो इस ये भी एक मोदक मोल्ड है जो 2 फोल्ड वाला है, वो 3 फोल्ड वाला था। इसे भी हम घी से ग्रीस करेंगे और इसे मोड़ लेंगे और उसके बाद इसे हम इसमें भी हम पोर्शन को एडजस्ट कर लेंगे। बिना मोदक मोल्ड का कैसे बनाएं वो भी हमने अपने चैनल पे रेसिपी डाली हुई है, साथ में ट्रेडिशनल तरीके से मोदक कैसे बनाएं वो भी हम रेसिपी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए सारा मोदक जो है तैयार है। अब ऊपर से पिस्ता की कतरन और केसर और दूध से हम इसे गार्निशिंग करेंगे। तो मोदक बिल्कुल तैयार है। गणपति बप्पा मोरिया एक बार बोलते हुए गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना।